Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School Kalayath. मैं मनीषा आप लोगों को ये जो आप लोगों का literature portion है class 8 का ये करवा रही हूँ. और हमने last जो हमारे दो lectures लगे थे उसके अंदर हम लोगों ने how the camel got his hump जो आपका chapter first है it's so happened book का इसकी जो है थोड़ी सी brief summary की थी. अब हम इस chapter को अच्छे से start करने जा रहे हैं ताकि आप लोग detail में इसको पढ़ सकें. इसमें जो भी छोटे-छोटे points हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकें. हमारे इसके question answer जो हैं वो हमारे detailed question answer होंगे. आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारी brief है पूरी चैप्टर के अंदर वो क्या है. लास्ट हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो न्यू वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है और एक आइडल सा एनिमल है जो कौन है कैमल है वो वर्क नहीं करता और वर्क ना करने के कारण क्या होता है जीनी उसको पनिश करता है और आफ्टर सम टाइम क्या होता है उसकी जो बैक है उसके ऊपर एक हम्प जो है वो ग्रो होने लग जाता है अपने आप से. तो वो उसका आइडलनेस की एक पनिशमेंट होती है. ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. जैसा मैंने पहले ही बताया हम्प क्या होता है कूबड़ होता है. अब आप अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहते हैं इस चैप्टर को तो आप जो पहली मेरी दो वीडियो हैं उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से उनको देख सकती हैं. बट जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करनी है उसके लिए आप लोगों को इसकी डिटेल पूरी पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं इसको. दी वर्ड हैज़ जस्ट बिगन, जो वर्ड है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है, बिगन शुरू हुआ है. एंड दी एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स हैं वो काम कर रहे हैं किसके लिए, ह्यूमंस मानव के लिए. देयर वॉज वन लेजी एनिमल, वहाँ पर क्या था, सिर्फ एक लेजी एनिमल था और वो कौन था, वो था कैमल. दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था. एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता था. बट हम, सिर्फ क्या बोलता था, हम. इवन द क्लेवर जीनी, यहाँ तक कि इवन, यहाँ तक कि जो क्लेवर जो इतना चालाक जीनी था वाज एट हिज विट्स एंड. विट्स मीन्स होती है बुद्धि और एंड्स मीन्स ख़त्म होना. यानी वो हम बोलता था वो उस जीनी को भी समझ नहीं आता था. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ड वाज न्यू, बिगनिंग में बिल्कुल शुरुआत में वर्ड क्या था, न्यू था. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो एनिमल्स हैं वो जस्ट अभी उन्होंने शुरू किया था काम करना किसके लिए, मैन के लिए. देर वॉज अ कैमल, वहाँ पर कौन होता था, एक कैमल होता था, एक ऊँट होता था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, और वो कहाँ रहता था, मिडल में रहता था. इतना बड़ा जो रेगिस्तान था उस रेगिस्तान के क्या होता था, बिल्कुल मिडल में रहता था. बिकॉज क्यों रहता था, क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता था, वॉन्ट टू वर्क, कि वो कोई भी काम करे. ही एट स्टिक्स, स्टिक्स क्या होती हैं, डंडियाँ. एंड थ्रोन्स यानी कांटे, एंड पिकल्स यानी कि झाड़ियाँ. वो सिर्फ डंडियाँ जो कांटे होते थे, झाड़ियाँ होते थे, उन्हें खाता था. एंड वेन एनी बडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बोलता, ही सैड हम, वो सिर्फ क्या बोलता था, हम, जस्ट हम्प. इस हम्प का मीनिंग किसी को भी नहीं पता था. एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था. प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी उस टाइम बोलते हैं, प्रेजेंटली मीन्स होता है वर्तमान. वर्तमान में दी हॉर्स, जो घोड़ा था, केम टू हिम, वो उसके पास आया उन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग यानी सुबह सुबह आता है. विद अ सैडल, सैडल मीन्स होता है काठी. काठी जब घोड़ा है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, एक बैठने के लिए गद्दी टाइप रखी होती है उसको बोलते हैं सैडल. ऑन हिज बैक, उसकी बैट पे, बैक पे होती है जो, जिसको वो लेके हर टाइम घूमता है. एंड सैड, और फिर वो आके उसको कहता है कैमल, ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ. एंड टोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, टोट यानी कि क्या करो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पीठ पे सामान ढो रहा हूँ, ट्रोट कर रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी क्या करो, रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह ही करो. हम, सेड द कैमल, और कैमल क्या बोलता है, हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स चला जाता है और जाके किसको बोलता है, मैन को बोलता है. प्रेजेंटली द डॉग came to him, अब शीघ्र ही क्या होता है, presently यानी वर्तमान में, the dog, जो dog है वो आता है, came to him with a stick in his mouth, अपने mouth यानी अपने मुँह में क्या लेकर आता है, एक stick लेकर आता है. and said, और फिर कहता है, camel, ओ camel, ऊँट ओ ऊँट, come and
फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. फैच यानी पहले फेंक के एंड कैरी फिर उठा के, लाइक द रेस्ट ऑफ अस के हम लोगों की तरह भी तुम क्या करो, सामान को फेंको, फैच करो यानी ढो उसे, एंड कैरी और उसे खींच कर लेकर आओ हम लोगों की तरह. हम सेड द कैमल, लेकिन कैमल क्या बोलता है, हम्प. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. इसी तरह से डॉग भी चला जाता है और जाकर क्या करता है, किसको बोलता है, किसको, मैन को बोलता है. अब दो आ चुके हैं, अब थर्ड कौन थी, एक था हमारे पास हॉर्स, दूसरा डॉग और थर्ड क्या था, ऑक्स. अब ऑक्स आती है प्रेजेंटली, वर्तमान में. द ऑक्स केम टू हिम. अब ऑक्स आती है, उसके पास बैल आता है विद द यॉक ऑन हिज नेक. यॉक मीन्स होता है जो बैल होती है, तुमने देखा होगा उसकी गर्दन पे और उसकी नाक के अंदर से जो रस्सी निकली होती है, जिससे वो क्या करती है, पीछे वाला सामान ढोती है, उसको क्या बोलती हैं, यॉक बोलते हैं. वो कैसे आती है, क्या होते हैं, योक होती है उसकी नेक पे, उसकी गर्दन पे भी रस्सी बंधी होती है. एंड सेड, और वो भी आके क्या बोलती है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, के आओ और हम लोगों की तरह प्लग, प्लग यानी हल जोतना, हम लोगों की तरह क्या करो, रेस्ट ऑफ अस जैसे हम सारे कर रहे हैं, तुम भी क्या करो, हल जोतो. हम सेड द कैमल, और फिर कैमल क्या कहता है, हम. The ox went away and told the man. अब ox भी क्या करती है, चली जाती है और जाकर क्या करती है, जाकर man को ये सारा कुछ बता देती है. तीन animals आए, तीनों ने जाके man को बताया, ठीक है. At the end of the day, जब तक day होता है यानी end होता है, Monday morning क्या हुआ है, वर्ड बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है मंडे मॉर्निंग को. और मंडे मॉर्निंग में जैसे ही ये वर्ड स्टार्ट होता है, तभी जाके सारे एनिमल उस आइडल एनिमल को बोलते हैं, यानी जस्ट शुरू शुरू हुआ है कि हमारे साथ काम कर लो. और किसके लिए कर रहे हैं काम, मैन के लिए. फिर तभी क्या होता है, एट द एंड ऑफ डे, डे के एंड में द मैन कॉल द हॉर्स. जो मैन है वो किसको बुलाता है, हॉर्स को बुलाता है. एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, इन तीनों को इकट्ठा बुलाता है, टुगेदर इकट्ठा. एंड सेड देयर, सेड थ्री ओ थ्री, और फिर वो उनको क्या बोलता है, तीनों वो तीनों यानी थ्री ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, बहुत सॉरी फील करता हूँ तुम लोगों के लिए, बट दैट हम्प थिंक. अब किसी को उसका नाम तो पता नहीं था, तो सब लोग उसको क्या बोलते थे, हम्प बोलते थे. कहते हैं कि वो जो हम्प थिंक है ना इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट रेगिस्तान के बीच में जो बैठी है, कांट वर्क, वो बिल्कुल काम नहीं करती है. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो हैव बीन, और इसी कारण से वो इतनी आइडल है यानी काम नहीं करती है, तो ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और इसी कारण से वो क्या है, यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. अलोन हम उसे लीव कर रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं, अलोन अकेला छोड़ रही हैं, और वो कुछ काम नहीं करना चाहती, और अभी वो क्या नहीं है, और ही वुड हैव यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको अकेला ही छोड़ देती हैं. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप लोगों को क्या करना है, डबल टाइम काम करना है, क्या करने के लिए, मेक अप यानी कंप्लीट करने के लिए, ऑफ इट उसकी कमी को कंप्लीट करने के लिए. दैट मेड दी थ्री वेरी एंग्री, और अब क्या करती है, ये जो लाइन मैन ने बोली, जो तीनों के तीनों है वो बहुत एंग्री हो जाते हैं. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज, और फिर वो क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं, कहाँ पर, ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर. एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड, और जो कैमल है वो वहाँ पर केम आता है, चीविंग कर्ड जुगाली करते हुए, चीविंग कर्ड यानी जुगाली करते हुए वहाँ पर आता है. एंड लाफ्टर, और हंसने लगता है एट देम उन पर. देन ही सैड, फिर वो बोलता है हम. एंड वेंट अवे अगेन, फिर से वो क्या बोलता है, हम बोलता है और वहाँ से चला जाता है. प्रेजेंटली, फिर वर्तमान का जो टाइम चल रहा है उसमें, देयर केम अलोंग द जीनी हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. अलग से क्या हो जाता है, एकदम से वहाँ पर क्या आ जाता है, जीनी आ जाता है, जो क्या होता है, इंचार्ज होता है. किसका इंचार्ज होता है, सारे के सारे जो डेजर्ट होता है उसका इंचार्ज होता है. कम अलोंग द जीनी
who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. Rolling यानी घूमते हुए, cloud यानी बादल में dust, धूल के, एक धूल के बने हुए बादल के अंदर क्या करता है, rolling करते हुए आ जाता है. ठीक है, अब हमारा ये जो पार्ट है ये इसका लास्ट वो है. इसमें आगे क्या होता है, जीनी ऑफ ओल्ड डेजर्ट्स, जो जीनी है सारे, जो जीनी है ओल्ड डेजर्ट्स सारे रेगिस्तानों का जो जीनी है, सेड द हॉर्स, उसे हॉर्स कहता है, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. जैसे वो वहाँ पे आता है तो हॉर्स उसको बोलता है कि क्या एनीवन किसी के लिए भी आइडल बैठा रहना राइट ठीक है. सर्टेनली नॉट, सेड द जीनी. फिर जीनी कहता है बिल्कुल भी नहीं, सर्टेनली यानी बिल्कुल भी नहीं. वेल, सेड द हॉर्स. फिर हॉर्स कहता है ठीक है. देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, वो कहता है कि वहाँ पर एक चीज़ है जो कहाँ है, मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके डेजर्ट के बिल्कुल बीच में है, विद अ लॉन्ग नेक, एक बड़ी सी गर्दन के साथ, एंड लॉन्ग लेग्स, और एक बड़े बड़े क्या हैं उसके पैर हैं, टांगे हैं. एंड ही हैव नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक यानी तिनका, और उसने एक तिनका भर भी वर्क का नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार सुबह से. ही वुडन ट्रॉट, उसने क्या नहीं किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं ढोया है, कुछ भी काम नहीं किया है. ह्यू, सेट द जीनी विसलिंग, और तभी से फ्यू करके विसल करता है जीनी, यानी सीटी बजाता है. दैट्स माई कैमल, फिर वो कहता है कि ये तो मेरा ऊँट है. वट डज ही से अबाउट इट, वो उसके बारे में क्या कहता है, यानी वो पूछता है उनसे कि मेरे कैमल ने क्या कहा. ही सेज हम्प एंड ही वुडंट प्लक, सेट द ऑक्स. फिर ऑक्स कहती है कि ये सिर्फ क्या बोलता है, हम्प बोलता है, और इसने बिल्कुल भी हल नहीं जोता है, ऑक्स ने बोला. फिर वो कहता है वेरी गुड, सेट द जीनी, आई विल हम्प हिम इफ़ ही विल काइंडली वेट अ मिनट. फिर वो कहता है अच्छी बात है, जीनी कहता है आई विल हम्प हिम, मैं इसे हम्प दे देता हूँ अगर आप लोग क्या करो, इफ़ यू, अगर आप लोग विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप लोग कृपा करके कुछ समय का इंतज़ार करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम्प जो है मैं अभी देकर आता हूँ, यानी इसको अच्छे से पनिश करके आता हूँ. तो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है जो हो चुका है. मैं दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को, जो इसकी समरी है उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, और अच्छे से आप इस चैप्टर की हिंदी जो है वो रीड करना, और इसके हम जो क्वेश्चन हैं वो हम जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.